ये चीज मेरे को अच्छी लगी भाई, यूनिक लोकेशन एकदम अच्छी है। हम तुझे मैं बता देता हूँ क्या वोटिंग करने चल पड़े हैं। पुरानी तालाब है और सामने बुद्धेश्वर मंदिर है। सो गाइस वहाँ तो एंड कर दिया था और यहाँ मैं एक नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और भाई गिरते पड़ते भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और भूख की तो भाई पूछो ना, सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा और अभी टाइम हो चुका है भाई 2:30 बज चुके हैं और यहाँ हमने बाइक पार्क कर दी है जीत मुसाफिर भाई 9 Forever। तो भाई ये है राजा जी ढाबा, लंच करेंगे। जींद से ही निकलते ही ये हाईवे मिलता है, हिसार हाईवे 1 किलोमीटर होगा, उसके बाद आपको राजा जी ढाबा मिलेगा और यहाँ आप विजिट कर सकते हो। खाना पीना देखते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं है, कितने पैसे हैं भाई, महंगा है सस्ता, सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके लिए। सो गाइस यहाँ पर एंट्री गेट कुछ शार्ट बना रखा है बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर एक भाई बीर बुलेट मिल जाती है यहाँ पर, और एक जीप मिल जाती है, ट्रैक्टर मिल जाता है, यहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाती है। तो भाई अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस ऑर्डर चल रहा है भाई 2 छोले भटूरे, एक वेज बर्गर, 2 छोले भटूरे। सो गाइस ये मेन्यू है, आप देख सकते हो ये मेन्यू, मैं आपको डिश दिखा देता हूँ क्या क्या इनके पास। और भाई मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, ये देखो भाई प्राइस वगैरह आप देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो आप आ जाना। ये देखो भाई डिशेज बहुत है। सो गाइस 9 Forever का भाई बर्गर आ गया और इस पे ना ये ब्रांडिंग भी आती है इनकी राजा जी ढाबा, तो काफ़ी ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी भाई, यूनिक भाई अपनी ब्रांडिंग देते हैं। और भाई खा के तो भाई नया नहीं बताएगा क्योंकि भाई मैं बर्गर नहीं खाने वाला, मैं तो भाई सच बता रहा हूँ पेट भर के खाने वाला हूँ। ये भाई फ़ायदा उठा गया आज, फ़ायदा ये उठा गया क्योंकि ना इसके नाना जी का घर है और ये कहता भाई मैं तो सिर्फ बर्गर खाऊँगा और बाकी तो मैं घर खाऊँगा। मैं भाई सही है तेरा, मैं भाई फ़ायदा ऐसे उठाते हैं ना भाई, पैसे बचा गए देख अंदर ही है, पैसे बचा गए पैसे बचा गया। इट्स कॉल्ड बिजनेस। छोले भटूरे के बारे में बताऊंगा भाई कैसा है कैसा नहीं, बाकी बर्गर के बारे में तो यही बताएगा कि कैसा है, बाकी ये भाई फ्राई नहीं है इतना तो मैंने देख लिया। ये भाई हमारे भी आ ही गए हैं, ये छोले भटूरे आ गए हैं भाई। भाई मेरा भाई बर्गर में ना पूरा नहीं हो रहा था आज कोटा, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी भाई, सुबह से कुछ नहीं खा रखा था इसलिए मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किए। वैसे तो मैं बर्गर भी ऑर्डर कर सकता था बट मेरे को भूख ज़्यादा लगी हुई थी तो मैंने सोचा भाई क्यों ना हम छोले भटूरे ऑर्डर करें। तो भाई अभी खा के मैं बताता हूँ भाई क्या है। चम्मच देना भाई, मस्त है भैया, एक नंबर, मज़ा आ। तो भाई ये इनका टिकट काउंटर है और हमारा जो बिल बना है भाई 2 छोले भटूरे आप देख लो, ये भाई 448 रुपये। तो ठीक है भाई आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अच्छा खाना है। तो भाई लोकेशन एकदम अच्छी है, विज़िट कर सकते हो यहाँ पे। तो भाई पेट पूजा होगी है, अब काम तुझे मैं बता देता हूँ क्या है। काम तुझे ये है कि यहाँ से अब जाएंगे रानी तालाब, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है और उसके बारे में भी एक्सप्लोर करके बताते हैं आपको। भाई पीछे जो देख रहे हो बुद्धेश्वर मंदिर है और ये एंट्री गेट है इसका, ये बुद्धेश्वर मंदिर का द्वार है और यहाँ से हमारी एंट्री होती है, तो आपको बहुत ही प्यारा मंदिर देखने को मिलेगा। एक से हमारी एंट्री होती है और भाई चलते हैं यहाँ से बुद्धेश्वर मंदिर की ओर, तो आपके महादेव के भाई दर्शन करवाने वाले हैं और जो मंदिर का नाम है बुद्धेश्वर मंदिर है।
गाइस ये जो देख रहे हो ना पीछे मेरे रास्ता, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो रास्ता, ये गुफा है भाई। यहाँ से रानी स्नान करने आती थी, राजा रणवीर सिंह ने बनवाई थी ये। और एक ये रास्ता है, एक उस साइड रास्ता है, तो यहाँ से नहाने आते थे और फिर पूजा करके यहीं से निकल जाते थे। अगर बाहर से जाते तो भाई उनको भी खतरा होता था, तो इसीलिए भाई ये सुरंग का रास्ता सीधी महल जाती थी। सो भाई जो गोल्डन डैम बना ना अमृतसर में, उसको देख के बनवाया था और उस टाइप से ही लगता है 1859 में। तो ये रानी के लिए बनवाया था और इसके अंदर मंदिर है बहुत खूबसूरत, वो मैंने आपको दिखाई दिया। और अब इस रास्ते को बंद कर दिया ताकि कोई ना जा पाए, और अंदर क्या पता क्या हो, बहुत टाइम से इसको बंद कर दिया गया है। और अब आगे चलते हैं और भाई थोड़ा सा नाव का मज़ा लेते हैं। सो गाइस अभी बोटिंग करने चल पड़े हैं और भाई देखते हैं कौन सी लेते हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी बोट लगी हुई है और पर पर्सन का भाई 50 रुपीज़ है यहाँ पर चार्ज। और अभी चलते हैं भाई, मस्ती करते हैं। सो गाइस वोट हमने ले लिया है और भाई ये देखो, ये बैक भी चलती है और स्ट्रेट भी चलती है। यहाँ पे एक स्टेयरिंग दे रखा है और भाई के हाथ में दे दिया स्टेयरिंग। एक्सपीरियंस करना ही था, एकदम मस्त लग रहा है भाई। इसके बीच में मत घुसा दियो भाई, भाई मुकाबले जीत आ गया। टनल के अंदर से आ गए हैं भाई हम लोग, उधर घुमाओ ना भाई। और ये लोकेशन है भाई, देखो कितनी मस्त है। तो अच्छा लग रहा भाई, वोटिंग करके ऐसी बात नहीं है। एक नंबर कैसा लग रहा भाई? मेरे को अच्छा लग रहा भाई, जब भी मैंने बोला था मैं ये भी करके चलते हैं। और यहाँ पे अपनी और भाई मना कर रहा था वोटिंग ना की, तो भाई क्या किया नहीं। बस वाकई वैसे देखा जाए ना तो वोटिंग है यहाँ पे एक करने लायक। अगर आप आओ तो वोटिंग जरूर करना यार, ऐसे मत जाना, वोटिंग करके जाना। और पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ पर पर्सन है, तो ठीक ही है यार, ज़्यादा भी नहीं है। सो गाइस 2002 में इसका सारा पानी वगैरह सुखा दिया था, यहाँ पर डेथ वगैरह होने लगी थी। जो इसकी हाइट है वो अराउंड 30 फीट के नीचे है और इसमें पानी होता था बहुत सारा। पानी अब भी है बट अब कह रहे हैं कि पानी कम है, बारिश के टाइम पानी बहुत ओवरफ्लो हो जाता है, हम बंद भी कर देते हैं। तो भाई अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूम के। और यहाँ पर सुखाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं था भाई, फिर इसको भाई रेनोवेट करने के लिए, तो इसको रेनोवेट करने के लिए भाई फिर 80 लाख लागत लगा के फिर इसको रेनोवेट किया है और फिर इस टाइप से कुछ बनाया है। और टूरिस्ट घूमने आते हैं अब यहाँ पे, जैसे हम आए हैं, हम भी एक टूरिस्ट हैं भाई, हिसार से इतनी दूर घूमने ही आए हैं ये डेस्टिनेशन कवर करने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से देख पाओ भाई कि हरियाणा में भी डेस्टिनेशन अच्छी अच्छी है लोकेशन। और भाई कवर करो यार ज़रूर। अब देखो भाई मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, जैसे गुरुद्वारे में पानी है ना उस टाइप से, बट गुरुद्वारे की लागत ज़्यादा है यार, इसकी थोड़ी सी कम। सो गाइज आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं भाई, और आप थोड़े से कमेंट वगैरह करते हो तो भाई अच्छा लगता है, मतलब दिल करता है कि वीडियोज़ और बनाएँ। तो थोड़ा सा भाई आप थोड़ा सपोर्ट अच्छा करोगे ना तो भाई दिल करेगा वीडियो और पे और बनाएँ और पे और बनाएँ। तो आई होप सब कुछ अच्छा रहा आज का दिन।